केएन वेदांता के द्वारा डेयरी एवं पशुपालन परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों से न केवल पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई है बल्कि पशुपालकों की कई समस्याओं का निदान भी हुआ है। परियोजना में हरा चारा, विकास बीज वितरण, अतिरिक्त आय का निर्धारण सहित कई कार्यों से गुड़ामलानी क्षेत्र के डेडावास गाँव के पशुपालकों की तकदीर बदल गई है। बढ़ते बाड़मेर के कदम के तहत पेश है डीसीएन लाइव की खास रिपोर्ट। केएन वेदांता के द्वारा डेयरी एवं पशुपालन परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों से न केवल पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई है बल्कि पशुपालकों की कई समस्याओं का निदान भी हुआ है। परियोजना के हरा चारा, विकास, बीज वितरण, अतिरिक्त आय का निर्धारण सहित कई कार्यों से गुड़ामलानी क्षेत्र के डेडावास गाँव के पशुपालकों की तकदीर बदल गई है। इस परियोजना के तहत केएन वेदांता मिलकर अलग अलग गाँव में जागरूकता का कार्यक्रम चलाकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हरे चारे का विकास, अतिरिक्त आय का निर्धारण सहित कई उपयोगी कार्य करवा रही है। इससे पशुपालकों की आय में काफी वृद्धि हुई है। पशुपालकों की माने तो अपने घर के पास डेयरी प्रोजेक्ट लगने से दूध बेचने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता और घर के पास ही बिक जाता है, साथ ही दूध का सही दाम मिल जाता है। पशुपालकों की माने तो केएन वेदांता के पशुधन की नस्ल संवर्धन कार्यक्रम से भी पशुधन की नस्ल काफी सुधार हुआ है। पशुपालकों ने बताया कि केएन वेदांता के डेयरी और पशुपालन परियोजना से जुड़ने के बाद उनकी आय में काफी वृद्धि हुई है। फायदा तो खूब फायदा है और महिलाओं के लिए तो ये खुशी का मौका है कि दूध है वो डेयरी पर मिल जाता है, बिक जाता है और घर पर जो काम होता है वो दूसरा नहीं। तो पहले क्या था कि वो घी निकालने के लिए घर पर सिर्फ इस दूध के पीछे रहते 2-3 घंटे और ये महिलाओं के लिए बहुत फायदा है। पहले सिस्टम तो यही था कि घर पर दूध था वो गर्म करना, जमाना और उसको फिर बलौना करना और लगभग 3-4 घंटे महिलाएं इसी दूध में रहती थी और वो पैसे भी वो घी के नहीं मिलते थे और अब दूध बिक जाता है तो वो महिलाओं को 2-3 घंटे आराम मिल जाता है। नहीं, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर जो ये पशु के डॉक्टर आते हैं, पशु का सारा आता है वो आता है और समय समय पर यहाँ कैंप लगाते हैं और महिलाओं को और पुरुषों को जो यहाँ पशुपालन है उनको प्रशिक्षित करते हैं। केएन कंपनी हूँ, हरा चारा बीज वितरित करते हैं, रिजगा बीज वितरण करें, टाइम में कैंप लगाते हैं, पशु की एक गाड़ी आती है वो फ्री इलाज करती है हर 15 दिन से। केएन वेदांता की डेयरी एवं पशुपालन परियोजना से न केवल पशुपालकों के लिए हितकारी साबित हो रही है बल्कि पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को भी राहत मिली है। महिलाओं को अब घर के पास दूध बेचने के लिए डेयरी उपलब्ध हो रही है, वही पशुधन के लिए उन्नत क्वालिटी का आहार भी मिल रहा है। डेडावास गांव की महिलाओं की माने तो केएन वेदांता के डेयरी प्रोजेक्ट के जुड़ने के बाद उन्हें अब घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब उनका काम आसानी से हो जाता है। पहले तो मोटरसाइकिल वाला आंदा दूध ले जावदा सही भाव देंदा को नहीं, मैं तो सरकारी डेयरी माते भाव ही अच्छा दे, पशुओं भी दाड़ो दूध भी अच्छा मिले, रेट भी बढ़िया मिला है। हर डेयरी हमारे घर के नज़दीक ही है, सामने लगी है, टाइम पर दूध दे रहे हैं, मूल्य भी अच्छे दे रहे हैं और बहुत महीने भर में ज़्यादा खर्च भी नहीं लगते हैं, रुपये टाइम पर भी दे रहे हैं और दूध टाइम पे है। हमारा पशुओं को दाला भी ले जाना है तो जल्दी ले जाते हैं, मूल्य भी ठीक लगाते हैं। देखो ये हमारे घर के पास ही है डेयरी और जो केन सीओर संस्था के अनुसार जो हमारे यहाँ पर चल रही है डेयरी, मतलब दूध के पैसे भी ज़्यादा फेंट के अनुसार देते हैं और पशुओं के लिए दाला पशु आहार वो है सरस वाला वो भी मिलता है और जो सीओर संस्था और केन के अनुसार हमारे यहाँ पर महिलाओं का समूह भी चल रहा है। और केएन वेदांता के शोधनीय से इस क्षेत्र में एक डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना चल रही है, उसमें श्योर के सहयोग से गांव में जो डेयरियाँ चलती है वहां पर लोगों को जागरूकता का काम करते हैं, जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करते हैं, ग्राम स्तरीय डेयरी व पशु प्रबंधन प्रशिक्षण चलाते हैं, हरा चारा विकास का प्रशिक्षण देते हैं और पशुपालकों को नेपीर घास, अराबीट, चुकंदर, रिजगा आदि बीज भी वितरण करते हैं, अजोला घास का बीज भी वितरण करते हैं। हरा चारा विकास की वजह से पशुपालकों ने ज़्यादा मतलब दूध देने वाले उन्नत नस्ल के पशु भी रखने शुरू कर दिए हैं और पशुपालकों पशुओं का दूध भी बढ़ा।
गौरतलब है कि केन वेदांता की तरफ से बाड़मेर जिले में सामाजिक कई कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तहत गुड़ा मालनी क्षेत्र के देवास गांव सहित कई गांव में डेयरी प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इसके अलावा कंपनी के CSR प्रोजेक्ट के तहत पशुधन की नस्ल संवर्धन के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर फैलाई जा रही जन जागरूकता के तहत लोग भी अब जागरूक होकर वेदांता के इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में पशुपालकों को वेदांता के इस परियोजना का लाभ मिल रहा है।